hello friends i hope you all are doing good my name is ashpreet and today i'm going to teach you about digital electronics and logic gates this is last topic of our chapter semiconductor so starting with the analog signal analog signal kya hota hai? a continuous time varying current and voltage signal is called analog signal the electronics circuit which gives out any type of an analog signal are called as analog electronics circuit अब देखिए सिग्नल्स दो टाइप के होते हैं आज हम उन दोनों टाइप के सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट इज एनालॉग सिग्नल एंड द सेकेंड इज डिजिटल सिग्नल जैसे कि अगर मैं लेमैन एग्जांपल दूं आपको कि अगर मैंने किसी को इशारा करके बुलाना है लाइक like दिस तो मैं उसको सिग्नल दे रही हूँ उनको भी इशारे की जरूरत होती है काम करने के लिए उनको भी सिग्नल की जरूरत होती है काम करने के लिए एंड दैट सिग्नल इज ऑफ टू टाइप्स दैट इज एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल बेसिकली क्या होता है जिसमें जो वोल्टेज है या करंट है या पावर है कुछ भी बोल लीजिए वो टाइम के साथ वेरी करता है दैट टाइप ऑफ सिग्नल इज नोन एज एनालॉग सिग्नल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वोल्टेज कर्व है तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वेरी कर रही है कॉन्स्टेंट नहीं है सो दीज टाइप ऑफ सिग्नलॉग सिग्नल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सिग्नल डिजिटल सिग्नल्स डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं बेसिकली जो हमारी अब सारी वर्ल्ड है वो क्या है डिजिटलाइज हो चुका है जो सारे सिग्नल्स हैं हमारी डिजिटल वॉचेज आ चुकी हैं एवरी थिंग ऑल अराउंड कैलकुलेटर से बात कीजिए डिजिटल वॉचेस की बात कीजिए जिसमें ऐसे दिखता है ना टाइम आपको दैट इज 1.00 मतलब एक बज गया या फिर 2.00 दो बज गई ये क्या है डिजिटल वॉचेज हैं इनमें जो सिग्नल्स काम करते हैं वो क्या होते हैं डिजिटल सिग्नल्स बेसिकली द सिग्नल्स विच हैव टू लेवल्स ऑफ करंट और वोल्टेज रिप्रेजेंटिंग बाय जीरो एंड वन आर कॉल्ड एज डिजिटल वैल्यूज और यू कैन से डिजिटल सिग्नल्स दे आर नोन एज डिजिटल सिग्नल्स डिजिटल सिग्नल्स के केस में हमारे पास सिर्फ दो लेवल्स पॉसिबल होते हैं वन इज जीरो लेवल एंड द अदर इज वन लेवल दैट इज जीरो मीन्स लो ऑफ And one means high on.

करंट एंड वोल्टेज हैव ओनली टू लेवल्स दैट इज ईदर ऑन और ऑफ ऐसे सर्किट्स जिसमें करंट या वोल्टेज की सिर्फ दो वैल्यूज पॉसिबल है ऑन एंड ऑफ उन टाइप के सर्किट्स को हम बोलते हैं डिजिटल सर्किट्स राइट सो दीज सर्किट्स मेक यूज ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम अकॉर्डिंग टू विच जीरो एंड फाइव वोल्ट वैल्यूज आर डिनोटेड बाई द लेवल जीरो एंड वन इन टाइप के सर्किट्स में हम बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करते हैं अब हमारे पास बहुत सारे नंबर सिस्टम्स होते हैं नंबर सिस्टम्स में डेसिमल नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम ऑक्टल नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बहुत सारे टाइप के होते हैं राइट डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब जीरो टू नाइन अब जो हम काउंटिंग करते हैं वन टू थ्री फोर लाइक नाइन उसके बाद फिर नाइन्टी वन नाइन्टी टू आप कोई भी काउंट ले लीजिए सेवेंटी वन वो सारे जो डिजिट्स बन रहे हैं वो सिर्फ इनसे ही बन रहे हैं जीरो टू नाइन के बीच में जितने डिजिट्स हैं तो इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम बट जिस सिस्टम पे हमारे पास डिजिटल सर्किट्स काम करते हैं दैट सिस्टम और दैट नंबर सिस्टम इज नोन एज बाइनरी नंबर सिस्टम एंड बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज पॉसिबल होती हैं दैट इज जीरो एंड वन सिर्फ दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं जीरो एंड वन अगर मुझे डेसिमल नंबर सिस्टम के जीरो वोल्ट को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगी थ्रू जीरो एंड अगर मुझे फाइव वोल्ट को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ बाइनरी तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगी हाई वोल्टेज एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज वन इसके अलावा कोई बात नहीं होगी सिर्फ जीरो और वन में ही या सारी बातें होंगी जो सारे सर्किट्स हैं उनमें सब में जो इनपुट एंड आउटपुट की वैल्यूज रहेंगी वो क्या रहेंगी इन टर्म्स ऑफ जीरो एंड वन दैट इज इन टर्म्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम राइट सो थाउस दीज सर्किट्स ओनली टू लेवल्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस आर possible so moving forward logic gates this is a very important topic as well as very simple topic right so a digital circuit which either allows a signal to pass through or stop it is called a gate जैसे आपके घर में गेट लगा होता है उसको आप खोलते हैं तो आप अपने कार या किसी व्हीकल को अंदर लेके जा सकते हैं बट अगर गेट बंद हो तो आप अंदर नहीं जा सकते राइट सिमिलरली अगर हम लॉजिक गेट्स की बात करें तो इनके केस में अगर कुछ पर्टिकुलर लॉजिक फॉलो होंगे तो वो उन इनपुट्स को अंदर जाने देगा एंड हमें उसके अक्रॉस आउटपुट मिलेगी बट अगर कुछ लॉजिकल स्टेटमेंट्स फॉलो नहीं हो रही हैं तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगी राइट सो so, सच अ गेट अलाउज द सिग्नल्स टू पास थ्रू ओनली वेन सम लॉजिकल कंडीशन्स आर सेटिस्फाइड हेंस दीज आर कॉल्ड एज लॉजिक गेट्स अब अगर ये सेटिस्फाई करें कुछ लॉजिकल कंडीशन्स को तभी ये पास कर सकते हैं सिग्नल्स अदरवाइज सिग्नल्स पास नहीं होंगे थ्रू दीज गेट्स सो दे आर नोन एज लॉजिक गेट्स हम टाइप्स पढ़ेंगे इनकी उससे पहले बढ़ते हैं दैट लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर हम सिंपली बात करें टीवी के रिमोट की उसमें जितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो क्या है बेसिकली वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनेंट्स हैं ऐसा तो नहीं है कि बड़े बड़े कॉम्पोनेंट्स लगे हुए हैं इतने छोटे से टी के रिमोट में इतने सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं अगर आप उसको खोल के देखें तो वो सब क्या है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है हम इतने स्मॉल एरिया में कितने सारे कॉम्पोनेंट्स को लगा देंगे इंटीग्रेटेड सर्किट को लगा देंगे आज हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में भी उसको उन सारी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स राइट सो वी कैन से डिजिटल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट सो लॉजिक गेट क्या है एक डिजिटल सर्किट है जो फॉलो करता है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस राइट मूविंग फॉरवर्ड अब हमारे पास तीन टाइप के बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं एंड गेट और गेट एंड नॉट गेट बेसिकली ये जो बेसिक गेट्स होते हैं इनका यूज करके हम नंबर ऑफ गेट्स बना सकते हैं दे आर बेसिकली द बिल्डिंग गेट्स राइट और गेट एंड गेट एंड नॉट गेट सो एवरी गेट हैज़ अ सिंगल और मल्टीपल इनपुट एंड आउटपुट ये सारे गेट्स का इन सारी गेट्स की मैं बात करूं अगर तो इन सारे गेट्स में एक या एक से ज़्यादा इनपुट एज वेल एज आउटपुट हो सकता है एवरी गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल एंड हर एक गेट का एक इंडिविजुअल सिंबल होता है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे सो स्टार्टिंग विद दी डेफिनेशंस रिलेटेड टू दीज गेट्स फर्स्ट डेफिनेशन इज ट्रुथ टेबल ट्रुथ टेबल क्या होता है इट इज़ अ टेबल दैट शोज ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट कॉम्बिनेशन फॉर अ लॉजिक गेट इट इज कॉल्ड द टेबल ऑफ कॉम्बिनेशन इट इज़ कॉल्ड द टेबल ऑफ कॉम्बी इसका क्या मतलब होता है टूथ टेबल बेसिकली हमें बताता है कि सपोज अगर किसी भी लॉजिक गेट में अगर मैंने टू इनपुट्स ली हैं तो वो टू इनपुट्स की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं या फिर वो दोनों ज़ीरो हो सकती हैं या एक ज़ीरो एक वन या दूसरी वन पहली जीरो या फिर दोनों वन ये सारे कॉम्बिनेशंस को जो कि इनपुट में बन सकते हैं एंड कॉरस्पॉन्डिंग जो इनका आउटपुट आएगा वो सारा हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किस में रिप्रेजेंट करते हैं ट्रुथ टेबल में राइट सो इट रिप्रेजेंट ऑल द कॉम्बिनेशन पॉसिबल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट मूविंग फॉरवर्ड बुल एक्सप्रेशन बोलियन एक्सप्रेशन क्या रहता है जॉर्ज बुली इन्वेंटेड काइंड ऑफ व्हिच डील्स विद लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैव ओनली टू वैल्यूज, नेमली ट्रू और स्टेटमेंट लॉजिकल स्टेटमेंट्स के साथ जो डील करता है algebra, वो उसने इन्वेंट किया एंड दीज लॉजिकल स्टेटमेंट ओनली है टू वेल्यूज दैट इज इधर ट्रू या फिर फॉल्स ट्रू for फॉर false फॉल्स for फॉर ये पता होना चाहिए आपको ट्रू फॉल्स ट्रू stands फॉर 1 फॉल्स स्टैंड फॉर 0 एंड ट्रू को हम एक और नाम से बोलते हैं दैट इज एक्टिव स्टेट या फिर आप इसको बोल सकते हैं ऑन स्टेट एंड जीरो स्टैंड फॉर फॉल्स यानी कि ऑफ स्टेट या फिर आप बोल सकते हैं पैसिव स्टेट ये डिफरेंट डिफरेंट नाम रहते हैं जब भी आपके पास कोई आउटपुट वन आ रही है दैट मीन्स इट इज ट्रू दैट इज ऑन स्टेट दैट इज एक्टिव स्टेट जब भी आपके पास कोई आउटपुट या इनपुट में जीरो है दैट मीन्स फॉल्स दैट मीन्स ऑफ स्टेट दैट मीन्स पैसिव स्टेट राइट मूविंग फॉरवर्ड सो जो फर्स्ट टाइप का गेट हम पढ़ने वाले हैं दैट इज और गेट इसका सिंबल रहता है ऐसे जैसे फिश का फेस होता है सिमिलर टू दैट लाइक दिस दिस इज द सिंबल ऑफ और गेट अभी आपको पता है कि मैंने और गेट के नीचे ये सिंबल बनाया है तो ये और गेट का ही सिंबल है बट अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें बहुत सारे गेट्स लगे होते हैं तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा और है कौन सा एंड है कौन सा नॉट है कौन सा नैंड होगा कौन सा नॉर होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गेट्स होते हैं सो so इसीलिए इनके सिम्बल्स को मेमोराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा सिंबल दिखेगा दैट मीन्स इट इज़ अ सिम्बल ऑफ और गेट सो इट इज अ डिवाइस दैट कंबाइन ए एंड बी टू गिव वाई एज ए रिजल्ट एक ऐसी डिवाइस है जिसमें ए एंड बी दो इनपुट कंबाइन होती है एंड हमें क्या मिलता है वाई दैट इज आउटपुट हमें रिजल्ट क्या मिलता है वाई इट हैज टू और मोर इनपुट्स एंड वन आउटपुट और गेट के केस में हम दो या दो से ज्यादा इनपुट्स यूज कर सकते हैं बट हमें आउटपुट कितनी मिलेगी वन दैट इज वाई राइट पॉजिटिव इज रेफर टू एज और इन बुलियन एल्जेब्रा जैसे हम सिंपल मैथमेटिक्स में प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये सब करते हैं ना ऐसे और गेट जब मैं बात करूंगी तो और गेट का मतलब क्या है आपको क्या करना है प्लस दैट इज एडिशन बट इसमें कंडीशन आपको क्या याद रखनी है हमारे पास सिर्फ बोलियन एलजेब्रा में दो ही चीजें पॉसिबल हैं या जीरो या फिर वन तो जब आप जीरो प्लस वन करेंगे तो वन आएगा वन प्लस जीरो करेंगे तो वन आएगा बट अगर आप वन प्लस वन करेंगे यानी कि वन को और करेंगे वन के साथ तो आपके पास टू नहीं आएगा आपके पास क्या आएगा वन दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि आपके पास पॉसिबिलिटी सिर्फ दो ही है या जीरो आ सकता है या वन आ सकता है तो जब आप वन प्लस वन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा वन इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नॉट इन सिंपल मैथ्स अगर सिंपल मैथ्स में करेंगे तो गलत है वन प्लस वन टू होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में वन प्लस वन इज वन यानी कि वन का अगर हम और कर रहे हैं वन के साथ देन इट इज वन सो बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट इज ए प्लस बी इज वाई इंडिकेट्स इक्वल्स ए और बी इसका क्या मतलब है ए और बी नेक्स्ट इज टू इनपुट डायोड और गेट अब हम डायोड्स को यूज करके और गेट कैसे बना सकते हैं वो देखने वाले हैं डायोड्स कौन से नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड इसकी कंडीशन में क्या फॉलो हो रहा है अगर तो ये फॉरवर्ड बायस है तो कंडक्ट करेगा अगर ये रिवर्स बायस है तो ये कंडक्ट नहीं करेगा एंड इसके केस में फॉरवर्ड बायस मीन्स सपोज ये पी साइड है एंड ये एन साइड है ऐसे बनाए डायोड तो पी साइड मतलब जब भी इसके ऊपर मैं इनपुट वन दूंगी यानी कि हाई दूंगी तो ये कंडक्ट करेगा एंड अगर मैं इसके ऊपर इनपुट जीरो दे दूंगी यानी कि मैं इसको रिवर्स बायस कर रही हूँ इसको इनपुट लो दे रही हूं उस टाइम पर ये कंडक्ट नहीं करेगा राइट तो इस सर्किट में हमारे पास ये बनाया गया है ट्रुथ टेबल टेबल क्या था जो हमें सारे कॉम्बिनेशन बताता था इनपुट एंड आउटपुट के तो अगर मेरे पास दो इनपुट्स हैं तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी टू n एन. एन यहां पर क्या होता है नंबर ऑफ इनपुट्स यानी कि टू रेस्ट दू विच इज इक्वल टू फोर मतलब मेरे पास फोर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है या तो पहली इनपुट जीरो दूसरी भी जीरो पहली जीरो सेकेंड वन वन जीरो वन वन, वन. ये क्या है इनपुट्स जो हम देने वाले हैं इस सर्किट को चलो हम वेरीफाई करते हैं जब मैंने ए को भी जीरो दिया एंड बी को भी जीरो दिया इसको भी जीरो दिया इसको भी जीरो दिया तो ये दोनों क्या हो गए रिवर्स बायस हो गए बिकॉज ये दोनों की पी साइड थी तो इनको वन वन चाहिए था फॉरवर्ड बायस होने के लिए तो यहां पर आउटपुट क्या मिली मुझे जीरो तो वाई की वैल्यू क्या आ गई जीरो सेकेंड केस लेते हैं सेकेंड केस में क्या है जीरो एंड वन यहां पर तो जीरो गया बट यहां पर गया वन इस केस में क्या होगा मेरे पास ये वाला जो डायोड है ये तो हो जाएगा रिवर्स बायस एंड जो नीचे वाला डायोड है ये क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस याद कीजिए आप फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट उसके केस में भी ये था दो डायोड्स थे एट ए टाइम एक डायोड फॉरवर्ड बायस होता था दूसरा रिवर्स बायस होता था तो हमें आउटपुट मिलती थी सिमिलरली यहाँ पर भी ये वाला डी टू डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा जब वन जाएगा इस पर एंड मुझे यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या मिलेगी वन दैट इज हाई इन केस ऑफ और गेट मतलब ये आ जाएगा वन नेक्स्ट इज अगर मेरी इनपुट क्या है वन इनपुट ए क्या है वन इनपुट बी क्या है जीरो तो सिमिलरली उसके केस में डी वन जो है वो कंडक्ट करेगा डी टू कंडक्ट नहीं करेगा एंड मुझे वाई की वैल्यू मिलेगी कुछ वन एंड अगर दोनों इनपुट्स मेरे पास वन वन हैं तो ये दोनों डायोड्स फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे दोनों कंडक्ट करेंगे एंड हमें ये मिलकर टू नहीं देंगे हमें ये मिलकर वन ही देंगे बिकॉज वन प्लस वन इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू वन सो दिस वाज अ ट्रुथ टेबल ऑफ और गेट अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूँ, इस सर्किट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस दैट इज एनालॉग सर्किट ऑफ और गेट एनालॉग सर्किट ऑफ और गेट क्या है देखिए ए बी ये दो क्या है मेरे पास स्विचेस हैं एंड यहां पर लगा हुआ है एक बल्ब जब बल्ब ग्लो कर रहा है बल्ब लाइट दे रहा है उस टाइम पर मैं क्या बोलूंगी? आउटपुट क्या है हाई है एंड जब बल्ब ग्लो नहीं करेगा उस टाइम पर आउटपुट क्या है ज़ीरो है दिस इज़ फाइव वोल्ट दिस इज़ीरो वोल्ट देखिए इन दिस अरेंजमेंट ऑफ और ओपन कॉरस्पोंड्स टू ज़ीरो जब भी हम बोलेंगे ऑफ है ये स्विच मतलब ओपन है ये स्विच तो वो कॉरेस्पॉन्ड करेगा ज़ीरो को एंड जब भी हम बोलेंगे कि ऑन है यानी कि स्विच क्लोज है तो ये कॉरस्पॉन्ड करेगा वन को ऑफ कॉरेस्पॉन्ड करेगा जीरो को एंड ऑन कॉरस्पॉन्ड करेगा वन को देखिए द इनपुट्स आर इंट्रोड्यूस थ्रू द स्विचेज ए एंड बी अब वो जो ट्रुथ टेबल हमने पढ़ा है इनकी 0001, 1011, वो क्या है इनपुट्स हैं जो हम इन स्विचेस को देंगे यानी कि जब हमने जीरो बोला है तो हम स्विच को ऑफ रखेंगे एंड जब हमने वन बोला है तो हम स्विच को ऑन कर देंगे स्विच को बंद कर देंगे राइट सो द लाइटनिंग ऑफ बल्ब इज आउटपुट एंड अगर हमें इन स्विचेस को ऑन या ऑफ करने पर यहाँ पर बल्ब की लाइटनिंग दिखती है बल्ब ग्लो करता है तो हम क्या बोलेंगे हमारे पास आउटपुट हाई है दैट इज वन है एंड अगर बल्ब ऑफ रहता है बल्ब ग्लो नहीं करता उस कंडीशन पे हमारे पास आउटपुट क्या है लो है दैट इज जीरो है सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज एंड गेट जैसे हमने और गेट पढ़ा था उसका सिंबल पढ़ा था उसका सिंबल था लाइक दिस फिश शेप बट एंड गेट का सिंबल कैसा होता है आगे से पॉइंटेड नहीं होता इट इज लाइक दिस दिस इज द सिंबल ऑफ एंड गेट इट इज अ डिवाइस दैट कम्बाइन ए एंड बी टू गेट वाई एज अ रिजल्ट इसमें भी हमारे पास दो या दो से ज्यादा इनपुट रहती हैं एंड एक आउटपुट रहती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई वाई हेयर सो इट हैज टू और मोर इनपुट्स एंड वन आउटपुट इसका सिंबल क्या रहता है हमारे पास जब भी हम मल्टीप्लीकेशन ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए जब भी हम ऐसे देखेंगे ये ऑपरेशन लगाएंगे तो दिस इज रेफर टू एज एंड इन द बोलियन एलजेब्रा जैसे और पे क्या होता था हमारे पास एडिशन होती थी प्लस करते थे ऐसे ही एंड में क्या होगी मल्टीप्लीकेशन सो बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट इज़ ए इन बी इज वाई इंडिकेट्स वाई इक्वल्स टू ए एंड बी इसका मतलब क्या है यहां पर अगर सी होता डी होता अगर मैं ज्यादा इनपुट्स बढ़ा देती तो इस कंडीशन में इज़ ये आउटपुट हो जाती डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इनपुट्स आर आउटपुट चेंजेस मूविंग फॉरवर्ड टू इनपुट डायोड एंड गेट अब हमें एंड गेट को समझना है यूजिंग टू डायोड्स तो इसके केस में क्या होगा देखिए ये बेसिकली डी वन डायोड है एंड ये डी टू डायोड है एंड इनका जो फेस यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है जहां से हमने इनपुट्स देनी है दैट साइड इज नोन एज एन साइड दिस इज एन साइड एंड दिस इज पी साइड मतलब डायोड D1 वन प्लस डी पे अगर तो ज़ीरो इनपुट जाएगी मतलब A एंड B की वैल्यू जीरो होगी तो उसके केस में वो फॉरवर्ड बायस होंगे एंड कंडक्ट करेंगे बट अगर इनके केस में A एंड B की वैल्यू वन हो जाएगी तो हमारे पास डायोड रिवर्स बायस हो जाएंगे एंड वो कंडक्ट नहीं करेंगे राइट सो so अगर मेरे पास इनपुट ज़ीरो है एंड यहाँ पर भी क्या है ज़ीरो यानी कि दोनों इनपुट्स क्या है ज़ीरो हैं तो ये भी ज़ीरो है ये भी ज़ीरो है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों कंडक्ट करेंगे एंड यहां पर मेरे पास आ जाएगा वन दैट इज फाइव वोल्ट एंड ऊपर से आप देखिए यहां से फाइव वोल्ट की सप्लाई आ रही है तो फाइव माइनस ऑफ फाइव फाइव में से फाइव ही चला गया अगर मैं बाइनरी लैंग्वेज में बात करूं तो वन में से वन चला गया तो क्या आ जाएगा जीरो तो यहाँ पर हमारे पास जीरो जीरो जब इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट क्या आएगी जीरो अगर इनपुट जीरो है एंड वन है मतलब दिस इज फॉरवर्ड बायस बट दिस इज रिवर्स बायस तो उसके केस में मेरे पास क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर अगेन क्या पहुंचेगा 5 वोल्ट पहुंचेगा दैट इज 1 पहुंचेगा एंड 5 वोल्ट माइनस फाइव वोल्ट इज इक्वल्स टू जीरो इसलिए हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी? सिमिलरली इस केस में होगा। लास्ट केस देखते हैं जब हमारे पास वन वन जा रहा है वन वन के केस में क्या हो रहा है ध्यान से देखिए यहां पर भी वन गया यहां पर भी वन गया तो ये दोनों क्या हो गए रिवर्स बायस हो गए ये कंडक्ट ही नहीं करेंगे रिवर्स बायस की कंडीशन यही होती है ना डायोड कंडक्ट नहीं करते हैं तो ये कंडक्ट नहीं करेंगे बट हमें वाई पे जो वोल्टेज दिखाई देगी वो कौन सी होगी दिस फाइव वोल्ट अगर मैं यहाँ पर अर्थ मानकर चल रही हूँ तो तो पर आउटपुट वोल्टेज लूंगी दैट विल बी फाइव वोल्ट मीन विल बी गेटिंग अ हाई वैल्यू तो आपको क्या पता चला कि जब भी एंड गेट का केस होगा तो उसके कंडीशन में अगर दोनों इनपुट्स हाई होंगी अगर दो से ज्यादा इनपुट लगी हैं चार पांच छह सात आठ जितनी भी इनपुट्स लगी है अगर वो सारी हाई होंगी तभी हमें आउटपुट में वैल्यू मिलेगी अगर उसमें से एक भी लो हो जाती है तो हमें वैल्यू नहीं मिलेगी राइट मूविंग फॉरवर्ड एनालॉग सर्किट एंड गेट अगर मैं में समझना चाहूँ तो मैं इसको कैसे समझती हूँ कि दो को लगा दिया गया है सीरीज में तो अगर एक स्विच भी ओपन रहेगा तो मेरे पास करंट आगे नहीं जाएगा बल्ब ग्लो नहीं करेगा अगर एक भी ऑफ है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा अगर ये दोनों हम क्लोज करेंगे दोनों को वन करेंगे तभी हमारे पास बल्ब ग्लो Right? So, in this arrangement, off or open corresponds to 0 and closed corresponds to 1. So, the inputs are introduced through switches A and B, and the lightening of a bulb. आउटपुट जब भी बल्ब ग्लो करेगा तो आउटपुट वन एंड जब बल्ब ग्लो नहीं करेगा रिमेन ऑफ रहेगा तो उस टाइम पर आउटपुट क्या आएगी जीरो सो दिस वॉज सिमिलर टू और गेट बट उसके हमने जो स्विचेस लगाए थे वो पैरल लगाए थे यहां पर क्या लगाए हैं सीरीज में लगाए हैं मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गेट दैट इज नॉट गेट नॉट गेट का सिंबल कुछ ऐसे रहता है ट्राइंगल प्लस एक गोला लाइक दिस एंड इसमें क्या होता है बेसिकली जो भी हम इनपुट दे रहे हैं अगर हम वन दे रहे हैं तो हमें आउटपुट में जीरो मिलेगा अगर हम इनपुट में जीरो दे रहे हैं तो हमें आउटपुट में वन मिलेगा मतलब इफ इनपुट इज वन देन आउटपुट इज जीरो इनपुट इज देन आउटपुट इज वन राइट वन के कॉरस्पॉन्डिंग जीरो जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग वन इट इज अ वन इनपुट एंड वन आउटपुट डिवाइस इसमें एक ही इनपुट होती है एंड एक ही आउटपुट होती है मतलब ए right? जब जा रहा है एज अ इनपुट तो हमें वाई क्या मिलेगा ए बार मतलब दिस इज अन एक्सप्रेशन एंड ई रिप्रेजेंट करता है वाई इक्वल नॉट ए नेक्स्ट इज नॉट गेट यूजिंग एन पी एन ट्रांजिस्टर जैसे कि हमने अभी एंड और और गेट को समझा था यूजिंग डायोड्स ऐसे ही हम नॉट गेट को समझते हैं यूजिंग अ ट्रांजिस्टर देखिए इट इज बेसिकली एन एनपीएन ट्रांजिस्टर तो अगर इसका जो बेस रीजन है दैट इज पी रीजन उस उसपे मैं इनपुट देती हूं वन तो ये फॉरवर्ड बायस होगा एंड इस टाइम पर मुझे वैल्यू मिलेगी आउटपुट में बट अगर मैं इसको कर देती हूँ जीरो यानी कि इसको मैं कर रही हूँ बेस रीजन को रिवर्स बायस तो उसके केस में यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं मिलेगी वाई की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास जीरो बेसिकली वाई की वैल्यू क्या आएगी ये यहाँ पर जो पोटेंशियल होगी वो हो जाएगी वन या फिर जीरो देखिए पहला केस है जब ए की वैल्यू को मैंने डाला जीरो ए यहाँ पर गया जीरो दिस वॉज अ पी रीजन मतलब ये क्या हो जाएगा रिवर्स बायस And मुझे क्या चाहिए था फॉरवर्ड चाहिए था पर क्या हो रहा है रिवर्स बायस हो रहा है तो यहाँ पर मुझे जो वैल्यू मिलेगी जीरो मिलेगी यहाँ से मेरे पास प्लस वन वैल्यू आ रही थी तो ये यह यहाँ पर जीरो है तो टोटल वैल्यू मुझे यहाँ पर क्या मिलेगी वन बिकॉज वन माइनस जीरो इज One. तो अगर मैंने इनपुट जीरो दी तो मुझे आउटपुट क्या मिली वन एंड सिमिलरली अगर मैं इनपुट दूंगी वन तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा इस टाइम पर मुझे बाइनस वन इज तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगी जीरो तो आप देख सकते हैं मैं इनपुट दे रही हूँ जीरो मुझे आउटपुट क्या मिल रही है एंड अगर मैं इनपुट दे रही हूँ वन तो मुझे आउटपुट क्या मिल रही है जीरो सो दिस इज बिहेविंग लाइक अ नॉट गेट मूविंग फॉरवर्ड एनालॉग सर्किट आप समझ सकते हैं यूजिंग अ स्विच अगर मैंने बेसिकली यहाँ पर स्विच लगाया है एंड इसको रखा है ओपन यानी कि इसको रखा है जीरो एंड यहां से मैं कोई वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है एंड जब करंट इस बल्ब के थ्रू पास होगा तो बल्ब क्या करेगा ग्लो करेगा बट अगर इस कंडीशन में मैंने इसको ओपन रखा है तभी करंट इस ब्रांच में जाएगा यानी कि अगर स्विच ओपन है यानी कि ए की वैल्यू क्या है जीरो है उस टाइम पर बल्ब ग्लो करेगा यानी कि वाई की वैल्यू आएगी वन बट अगर मैं बात करूँ कि मैं ये स्विच को क्लोज कर देती हूँ लाइक दिस तो आप देख सकते हैं करंट विल प्रेफर दिस पाथ बिकॉज इस पाथ में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट इस पाथ से फ्लो करेगा उस टाइम पर मेरे पास बल्ब ग्लो नहीं करेगा एंड वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो सो दिस वॉज अ सिंपल केस दैट इन दिस केस ऑल्सो जब भी हम जीरो की बात करेंगे तो हम क्या बोल रहे हैं ओपन है एंड जब वन की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं क्लोज है तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा बल्ब तभी ग्लो करेगा जब हमारे पास आउटपुट हाई है एंड बल्ब रिमेन्स ऑफ विन द आउटपुट इज जीरो अभी तक हमने बेसिक गेट्स पढ़े

उनके कॉम्बिनेशन से हम थोड़े और कॉम्प्लेक्स गेट्स बना सकते हैं जिनमें से आज हम दो गेट स्टडी करेंगे दैट इज़ नैंड एंड नॉर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट दैट इज नैंड गेट बेसिकली ये जो नैंड गेट एंड नॉर गेट होते हैं दे आर नोन एज यूनिवर्सल गेट्स एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपको याद कर लेनी चाहिए कभी कभी आपको वन मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है नेम टू यूनिवर्सल गेट्स देन यूल बी सेइंग दैट एंड नॉर गेट आर द टू यूनिवर्सल गेट्स इनको यूनिवर्सल गेट्स क्यों बोला जाता है बिकॉज कोई भी और गेट अगर हम यूज़ नहीं कर रहे सिंपल नैंड एंड नॉर गेट यूज़ कर रहे हैं तो उससे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कोई भी अदर गेट मतलब अगर मुझे एंड गेट बनाना है नॉट गेट बनाना है गेट बनाना है एग्जॉर एक एक्जनॉर कुछ भी कोई भी गेट्स बनाने हैं बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स डिजिटल सर्किट्स बनाने हैं तो मैं सिंपली इन दो गेट्स का यूज़ करके दैट इज़ नैंड गेट एंड नॉर गेट डिफिकल्ट से डिफिकल्ट डिजिटल सर्किट्स को इंप्लीमेंट कर सकती हूँ सबसे पहले हम स्टडी करेंगे गेट। गेट क्या होता है? इट इज अ अम्बिनेशन ऑफ एंड एंड नॉट गेट एंड प्लस नॉट गेट देखिए एंड का हमारे पास सिर्फ इतना सिंबल था एंड नॉट का सिंबल था ट्रायंगल, उसके सामने ऐसा होल तो नैंड का सिंबल क्या बनेगा ये वाला आ जाएगा एंड का पार्ट एंड दिस होल रिप्रेजेंट दिस नॉट

So, इसका बुलियन एक्सप्रेशन रहता है y इज इक्वल टू ए डॉट बी का इनवर्स हमारे पास एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या रहता था y इज इक्वल टू ए डॉट बी उसका अगर हमने नॉट करना है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस बार से तो हमें क्या मिल जाएगा y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार बेसिकली दिस इज अ बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट इसका ट्रुथ टेबल क्या रहेगा इसका ट्रुथ टेबल हम पढ़ चुके हैं क्यों बिकॉज यहां तक का इसका ट्रुथ टेबल क्या है एंड गेट का एंड गेट के केस में क्या था जीरो जीरो पे हमें जीरो मिलता था अगर एक भी मेरे पास हाई हो तो उससे काम नहीं चलता था हमेशा आउटपुट में जीरो ही रहता है अनटिल एंड अनलेस सारी इनपुट्स क्या हो हाई बिकॉज हमें पता है दैट के केस में वाई ए इंटू बी एक्सप्रेशन रहता है तो अगर मेरे पास ये दोनों वन वन होंगी तभी मेरे पास वन आएगा दैट इज हाई आएगा एंड ये आउटपुट को अगर मैं एज इनपुट बनाकर भेज देती हूं इस नॉट गेट में तो मेरे पास क्या हो जाएगा इसका इन्वर्ट होकर मिलेगा दैट इज वन 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 एंड वन की कोरस्पॉन्डिंग जीरो तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा ट्रुथ टेबल ऑफ नैन गेट विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड प्लस नॉट गेट नेक्स्ट इज नॉर्थ गेट नॉर्थ गेट में क्या होता है उसका सिंबल रहता है ऐसा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ और प्लस नॉट गेट इतना सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है और गेट को एंड द सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग नॉट गेट सो इफ वी कनेक्ट द आउटपुट ऑफ एन और गेट विद द इनपुट ऑफ एन नॉट गेट वी विल बी गेटिंग ए नॉर गेट इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या रहता है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी होल बार अब हमारे पास क्या था और गेट के केस में ए प्लस बी था आउटपुट एंड अगर मैं बात कर रही हूँ गेट की तो उसके केस में क्या हो जाएगा इसका इनवर्ट बिकॉज आगे क्या लगाया है हमने एक नॉट गेट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सर्कल मूविंग फॉरवर्ड इसका ट्रुथ टेबल भी हमने पढ़ रखा है कैसे पढ़ रखा है जितना ये आधा ट्रुथ टेबल है दिस इज गेट ट्रुथ टेबल प्लस दिस इज द ट ट्रूथ टेबल एंड और गेट के केस में क्या होता था सिंपल एडिशन कर रहे थे अगर एक भी हाई होता था तो हमें आउटपुट हाई मिलती थी जीरो जीरो के कॉरस्पोंडिंग जीरो जीरो वन के कॉरस्पोंडिंग वन वन जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग वन प्लस वन इज नॉट टू इट इज इक्वल टू वन एंड ये वली जो आउटपुट है वो हमने इनपुट बनाकर डाल दी किसमें नॉर्थ गेट में तो हमें फाइनल आउटपुट क्या मिलेगी वन जीरो 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 सो नॉर्थ गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गेट्स दैट इज दर प्लस नॉट गेट नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं दो और टाइप के गेट्स दैट इज एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर देखिए दो टाइप के गेट्स और होते हैं दैट इज एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर इनके ट्रुथ टेबल्स क्या रहते हैं अगर मैं इनपुट कॉम्बिनेशन ले रही हूं लाइक like दिस तो एक्सक्लूसिव और का मतलब क्या है कि एक्सक्लूसिवली जब एक इनपुट हाई होगी तो हमें इनपुट हाई मिलेगी इसका क्या मतलब है जैसे इस केस में एक्सक्लूसिवली एक इनपुट हाई है एंड इस केस में एक इंक्लूसिवली हाई है तो इस केस में मुझे वाई की वैल्यू मिलेगी वन वन एंड अदर केसेस में मिलेगी जीरो जीरो एंड अगर मैं बात करूं एग्जनॉर की दैट इज एक्सक्लूसिव नॉर गेट विच इज एक्सक्लूसिव और गेट प्लस वन नॉट गेट तो इसके केस में हमें क्या मिलेगी इससे ऑपोजिट मिलेगी। मतलब जो यहां पर इन आउटपुट मिल रही थी जीरो वन वन जीरो तो इसके केस में मिलेगी वन जीरो जीरो वन राइट एंड इनके सिंबल्स रहते हैं कुछ इस तरीके से दैट इज दिस फिश टाइप एंड यहां पर ही ऐसे होता है ये रिप्रेजेंट करता है इनपुट्स को एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई आउटपुट एंड अगर मैं एक्सक्लूसिव नॉर की बात करूँ तो वो क्या होता है एक्सक्लूसिव और प्लस नॉट गेट एंड इसका जो एक्सप्रेशन रहता है वाई का दैट इज इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए बी बार मतलब एक हाई दूसरी इनपुट लो या फिर दूसरी हाई पहली इनपुट लो एंड यहाँ पर मेरे पास वाई का एक्सप्रेशन क्या रहता है ए बार बी बार प्लस ए बी विच इज फॉर द रिटर्न एस

अब कन्वेंशनल सर्किट्स थे वो बहुत बड़े थे जिनमें सारे सारे कंपोनेंट्स यूज होते थे रजिस्टर्स यूज होते थे कैपेसिटर इंडक्टर अब आप देखें इंडक्टर बेसिकली इंडक्टर कोयल कितना बड़ा होता है तो ये सर्किट्स बहुत ही लार्ज बनते थे दीज वर नोन एज कन्वेंशनल सर्किट्स बट स्टिल सच सर्किट्स आर स्टिल बल्कि दे आर ऑल्सो लेस रिलायबल एंड लेस शॉक प्रूफ मतलब जो ये कन्वेंशनल सर्किट्स होते थे ये बहुत ही भारी होते थे बल्की होते थे लेस रिलायबल होते थे इनके ऊपर हम रिलाय कम कर सकते हैं कि ये सही हमें आउटपुट देंगे प्लस ये लेस शॉक प्रूफ होते थे इनसे शॉक लगने का खतरा भी क्या था ज्यादा था सो द कंसेप्ट ऑफ फेब्रिकेटिंग एन एंटायर सर्किट ऑन अ स्मॉल सिंगल चिप ऑफ सेमी कंडक्टर इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट अब हमारे पास कंसेप्ट क्या आया कि हमने ये सारा सर्किट स्मॉल इतनी स्मॉल चिप पे सारे कॉम्पोनेंट्स लगाकर बिल्ड किया एंड दैट सर्किट इज़ नोन एज इंटीग्रेटेड सर्किट दैट सर्किट इज़ नोन एज इंटीग्रेटेड सर्किट एंड द चिप डायमेंशन आर एज स्मॉल एज वन एम एम इंटू वन एम एम मतलब इस चिप की डायमेंशन क्या थी इतनी स्मॉल दैट इज़ वन एम एम इंटू वन एम एम और इवन लेस देन दैट या फिर इससे भी कम

These contain logic gates, और उनके बीच में क्या होता है? Digital ICs के बीच में logic gates लगे होते हैं, जिनके बारे में आज हमने पढ़ा, and, or, not, ये सब क्या थे? Logic gates थे। Depending upon the number of circuit components or logic gates used, they can be classified as digital ICs के बीच में कितने logic gates लगे हैं, उसके basis पर हम इनको classify कर सकते हैं, in these four types, that is small scale integration, medium scale integration, large scale integration, and very large scale integration. इसके बारे में पढ़ते हैं देखिए जब भी हमारे पास नंबर ऑफ गेट्स लेस हो या फिर इक्वल टू हो टेन के तो उस टाइम पर मैं क्या बोलूंगी इट इज स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड जब मेरे पास नंबर ऑफ गेट्स इज लेस देन और इक्वल टू हंड्रेड हो उस टाइम पर मैं बोलूंगी इट इज नोन एज मीडियम स्केल इंटी And if the number of gates is less than or equal to 1000, in that case we call it as large scale integration. And the last is if the number of gates is greater than 1000, we call it as very large scale integration. So this was all about the digital electronics. In next video, we are going to start a new chapter from your syllabus that is communication skills. Till then keep revising and stay tuned with me on this channel. That is Iwiz.